आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीजन आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा सीजन भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिलर दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कर दो सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहने का पहले बन चुका है एक बुक में और उसी बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस फिल्म मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीज की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज भी बन चुकी है जैसे कि खाकि द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित रहीना है इनके अलावा भी काशमीरा बरदेस सिंह सराजाने दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फानदेश बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनलबीक आकाश दबाड़े गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज़ है से इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्टार पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टर पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस ऑफ्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसे लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारी सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदासी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं फैमिली के साथ पर जो वेब सीरीज़ हो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वो एसेंसर होती है अगर किया जाए तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन भी कट करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि सिन कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो किबाड़ है किताब है और टिकट टू सीरिया पर आदर द्र फ्रीलेंसर तो कंजुक्सन ने ओल्ड प्लेटफॉर्म पर डिस्नी प्रसार पर तहलका मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अंश ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मोहित रैन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बेस्ट बनता दिखता था और इस बार के सीजन में रेस्क्यू मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा और उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित तो रैना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ तक देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित तो फिजिकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोबित तो कुछ एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नजर आएंगे सीरीज में पहले ही की तरह यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अनुपम खेर इस बार भी अधिक थे। अधिकर जो चेहरे हैं उनके हाव भाव के जो है उनसे आप पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा परदेशी के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खड़ी उतरी हैं कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती है चेहरे पर मौसमित के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीजन और पूरा एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है द फ्रीलेंसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी हाँ टिकट है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमजोर साबित होती है और अ टिकट टू सीरिया पर आधारित दाइलेंसर द कंजन की जो राइटिंग है काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो जबरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दर बनने पर मजबूर कर देती है कुछ बनाने कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अफ्तार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में कामयाब है वो नहीं दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो आप आगे से पार्टी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी रिवक्स काफ़ी बढ़िया है जो कहीं ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो काफ़ी ऐसी सीरीज है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है प्लस पे वहां पर वहाँ पर जाकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल यहाँ आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएँगे तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक पहुँच गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला कि द फ्रेंड लैंस मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर यह आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं तो अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीजन आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा चिन्ह भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिल थर्मी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कहे तो सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं पहले बन चुका है एक बुक में और उस बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीस की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं जैसे कि खाकि द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज़ बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित तो रैना है इनके अलावा भी काशमिरा बरदी सिंह सरा जानदाइस एस आ राजा अनुपम खेर मंजरी फानदेश बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनलबिक आकाश दबाड़ेन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्तर पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस ऑफ स्टार पे वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारे ऐसी सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदासी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं तमिल के साथ पर जो वेब सीरीज़ वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वो एसंसर होती है अगर किया जाए तो तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन भी कट करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि इसे कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो किबाड़ हैं किताब हैं और टिकेट टू सीरिया पर आदर दिलेंसर द कंजुक्सन ने ओल्ड प्लेटफॉर्म पर प्लस प्रथर पर तहलका मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अन ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मवित रेन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बैस बनता दिखता था और इस बार के सीज़न में के मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित रैना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ तक देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित फिज़िकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोहित को उस एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नज़र आएंगे सीरीज़ में पहले ही की तरह यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अलबम के इस बार भी अधिक थे अधिकार जो चेहरे हैं उनके हाव हाँ भाव के जो है उनसे अब पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा परदेशी के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी हैं कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती है चेहरे पर मास के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव हाँ भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीजन और पूरा एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है दो फ्रीलांसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी टिकट है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमजोर साबित होती है और अ टिकट टू सीरिया पर आधारित द फाइनस द कंजन की जो राइटिंग वो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो ज़बरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दर करने पर मजबूर कर देती है कुछ बनाने कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अवतार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में कामयाब रही दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो आप आगे से पाड़ी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी वीबिक्स काफ़ी बढ़िया है जो कहीं ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया वीबुक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी सीरीज है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जाए है डिजनी प्लस पर वहाँ पर जाकर आप इसे इन्जॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएंगे तो मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिंट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर यह आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज़ हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीज़न आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा सीजन भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिलर दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कहे तो सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं पहले बन चुका है एक बुक में और उसी बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीज की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं जैसे कि खाकी द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित तो रैना है इनके अलावा भी काश्मीरा बरदे सिंह सरा जान दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फानदेश बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनलबिक आकाश दबाड़िन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्टर पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टर पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस ऑफ स्टार पे वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारी सीरीज़ आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे काफ़ी इधर खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे जी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं फैमिली के साथ है पर जो वेब सीरीज़ वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वह एसेंसर होती है अगर किया जाए तो तो इसके लिए आपको जो है आप कुछ सीन भी कट कर करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि इसे कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो शरी थोराट की जो किबाड़ बाड हैं किताब हैं अटिकट टू सीरिया पर द ने ओल्ड प्लेटफॉर्म पर प्लस पर का मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अन ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मवैद्रैन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वा वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बेस्ट बनता दिखता था और इस बार की सीजन में रेस्क्यू मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित रैना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ तक देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित फिजिकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोहित को इस एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नजर आएंगे सीरीज में पहले ही की तरह ही यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अनुपम खेर इस बार भी अधिक अधिकतर जो चेहरे हैं उनके हाव भाव के जो है उनसे पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा पर्दे के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी है कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती है चेहरे पर मौसमित के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीज़न और पूरे एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है द फ्रीलांसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी हाँ टिकट है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमजोर साबित होती है और टिकट टू सीरिया पर आधारित द फ्राइलेंसर द कंजन की जो राइटिंग वो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो ज़बरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दौर बनने पर मजबूर कर देती है कुल मैंने अगर कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अफ्तार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में कामयाब रही दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो अब आगे से पार्टी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी रिवेबुक्स काफ़ी बढ़िया है जो कहीं ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो काफ़ी ऐसी सीरीज है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है डिजनी प्लस पे वहाँ पर जाकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएँगी तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिंट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज़ हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीज़न आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा चिन्ह भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिल दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कहे तो सीरीज को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं पहले बन चुका है एक बुक में और उसी बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीस की बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज भी बन चुकी हैं जैसे कि खाकी द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज़ बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित तो रहीना है इनके अलावा भी काशमिरा बरदे सिंह सरा दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फान बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रैसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनलबिक आकाश दबाड़े गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्टर पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारे ऐसी सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं कही ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे जी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं तमिल के साथ पर जो वेब सीरीज़ वो मेरे के नहीं करूंगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वो एसंजर होती है अगर किया जाए तो तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन बिकट करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि इसे कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो किबाड है किताब है हैं अटिकट टू सीरिया पर आदरित द्र ने ओल्ड प्लेटफॉर्म पर डिसनी प्लस पर तहलका मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अनसही होती है और अविनाश कामत यानी कि मोदी रेन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बैस बनता दिखता था और इस बार के सीजन में के मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज के अंदर दिखाया गया है मोहित रैना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ तक देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित फिजिकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोहित को उस एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नजर आएंगे सीरीज में पहले ही की तरह यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अल्बम केयर इस बार भी अधिक अधिकार जो चेहरे हैं उनके हाव हाँ भाव के जो है उनसे अब पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा परदेशी के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी है कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती है चेहरे पर मासूमित के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव हाँ भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीज़न और पूरे एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है दो फ्रीलैंसर टू की तो सीनेमाटोग्राफी काफ़ी हाँ टिकट है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमज़ोर साबित होती है और अ टिकट टू सीरिया पर आधारित दाइनल द कंजशन की जो राइटिंग वो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो जबरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दर बनने पर मजबूर कर देती है कुल मेरा अगर कहा जा सकता है कि डिजनी ब्लस अफ्तार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में कामयाब वो नहीं दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो अब आगे से बड़ी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी रिव्यक्स काफ़ी बढ़िया है जो कही न कहीं ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया रिबिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी सीरीज है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जाए है डिजनी प्लस पे पर वहाँ पर जाकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएँगी तो मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिंट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं तो अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीजन आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा सीजन भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिल दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कहे तो सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहने का पहले बन चुका है एक बुक में और उसी बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस फिल्म मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीज की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज़ भी बन चुकी है जैसे कि खाकि द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज़ बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित रहीना है इनके अलावा भी काश्मीरा बरदीसी सराजान दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फानद बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनलबीक आकाश दबारे गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्तार पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टर पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस ऑफ्तार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसे लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारे ऐसी सीरीज़ आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदाजी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं फैमिली के साथ पर जो वेब सीरीज़ वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वो एसेंसर होती है अगर किया जाए तो तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन भी कट कर करने को मतलब पड़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि सीन कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो किबाड़ है किताब है और टिकेट टू सीरिया पर आदर द्र फ्रीलेंसर तो कंजुक्सन ने ओल्ट प्लेटफॉर्म पर प्लस प्रसल पर तहलका मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अंश ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मोहित रैन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बेस बनता दिखता था और इस बार के सीजन में रेस्क्यू मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित तो रीना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ तक देखने को मिलता है इस बार मोहित किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित तो फिजिकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोबित कुछ एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नजर आएंगे सीरीज में पहले ही की तरह यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अनुपम खेर इस बार भी अधिक थे। अधिकर जो चेहरे हैं उनके हाव भाव के जो है उनसे पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा परदेशी के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खड़ी उतरी हैं कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती है चेहरे पर मासूमित के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीज़न और पूरा एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है द फ्रीलांसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी हाँ टिकटाक है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमज़ोर साबित होती है और अ टिकट टू सीरिया पर आदरी द फाइलेंसर द कंजन की जो राइटिंग वो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो जबरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कही ये आपको वो सब कुछ एक दर बनने पर मजबूर कर देती है कुछ मना कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अफ्तार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में कामयाब है वो नहीं दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो आप आगे से पार्टी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं या आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी रिव्यक्स काफ़ी बढ़िया है जो कहीं ना कहीं लगता है कि जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो काफ़ी ऐसी सीरीज़ है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है डिजनी प्लस पे वहाँ पर जाकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल यहाँ आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएँगे तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक पहुँच ही गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला कि द फ्रेंड लैंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर यह आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीजन आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा चिन्ह भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिल दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कह दू सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं पहले बन चुका है एक बुक में और उस बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस फिन मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीस की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं जैसे कि खाकि द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज़ बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित तो रैना है इनके अलावा भी काशमिरा बरदे सिंह सरा दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फानदेश बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रैसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनलबिक आकाश दबाड़ेन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्टर पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारे सीरीज़ आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं कही ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदासी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं फैमिली के साथ पर जो वेब सीरीज़ वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वो एसंसर होती है अगर किया जाए तो तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन भी कट करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि इसे कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो किबाड़ हैं किताब हैं और टिकेट टू सीरिया पर आदर द्र ने ओल्ड प्लेटफॉर्म पर प्लस प्रसार पर मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अन ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मवित रेन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बैस बनता दिखता था और इस बार के सीज़न में रेस्क्यू मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित रैना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ्ते देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित फिजिकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोहित को इस एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नज़र आएंगे सीरीज़ में पहले ही की तरह ही यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अरबम गैर इस बार भी अधिक अधिकार जो चेहरे हैं उनके हाव भाव के जो है उनसे अब पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा परदेसी के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी है कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती हैं चेहरे पर मासीद के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीजन और पूरा एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है दो फ्रीलैंसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी टिकटाक है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमज़ोर साबित होती है और अ टिकट टू सीरिया पर आदरित दाइनल द कंजन की जो राइटिंग वो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो ज़बरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दर करने पर मजबूर कर देती है कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अवतार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में कामयाब है नहीं दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो अब आगे से बड़ी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी व्यवपिक्स काफ़ी बढ़िया है जो कहीं ना कहीं लगता है कि जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया वीबिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी सीरीज है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है डिजनी प्लस पे वहाँ पर जाकर आप इसे इन्जॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएँगे तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिट लैसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊँगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं तो अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीजन आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा सीजन भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिलर दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कैद सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहे कहे पहले बन चुका है एक बुक में और उसी बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस फिल्म मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीस की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज बन चुकी हैं जैसे कि खाकि द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज बना चुके हैं पर ये जो थोड़ी है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है काफी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित रैना है इनके अलावा भी काशमीरा बरदेसी सराजाने दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फानदेश बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनलबीक आकाश दबाड़ेन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्तार पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टर पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस ऑफ्ता पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारी सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदाजी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं फैमिली के साथ पर जो वेब सीरीज वो मेरी कमेंट नहीं करूँगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वह एसेंजर होती है अगर किया जाए तो तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन भी कट कर करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि सीन कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो की बाड हैं किताबें और टिकेट टू सीरिया पर आदर द्र फ्रीलेंसर द कंजुक्सन ने ओल्ड प्लेटफॉर्म पर प्लस हॉटस्टार पर तहलका मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अंश ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मोहित रैन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बेस्ट बनता दिखता था और इस बार के सीजन में रेस्क्यू मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा और उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित तो रीना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ हाफ्ता देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित तो फिज़िकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोब कुछ एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नज़र आएंगे सीरीज में पहले ही की तरह ही यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अनुभम खेर इस बार भी अधिक थे। अधिकर जो चेहरे हैं उनके हाव भाव के जो है उनसे पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा परदेसी के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी हैं कसमीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती है चेहरे पर मौसमित के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीजन और पूरे एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है द फ्रीलांसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी ठिकठाक हाँ है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमज़ोर साबित होती है और टिकट टू सीरिया पर आधारित द फाइनस द कंजशन की जो राइटिंग है वो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो जबरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दौर बनने पर मजबूर कर देती है कुछ मना कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अवतार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में कामयाब रही दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो अब आगे से बड़ी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी रिव्य काफ़ी बढ़िया है जो कहीं ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो काफ़ी ऐसी सीरीज है आप इसे जरूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है डिजनी प्लस पे वहाँ पर जाकर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएंगे तो मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिंट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं तो अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज़ हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीजन आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा चिन्ह भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिलर दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कहे तो सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहे ना कहे पहले बन चुका है एक बुक में और उस बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस फिल्म मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीस की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं जैसे कि खाकि द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज़ बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित तो रैना है इनके अलावा भी काशमरा बरदेसी सरा जान दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फान बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रैसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनल बीक आकाश दबाड़ेन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्टर पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारे ऐसी सीरीज़ आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं कही ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदासी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते तमिल के साथ पर जो वेब सीरीज़ है वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वो एसंसर होती है अगर किया जाए तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन बिकट करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि इसे कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो किबाड़ है किताब हैं अटिकट टू सीरिया पर आदरित दिलेंसर द ने ओल्ड नेटफॉर्म पर डिस्नी प्रसडर पर तहलका मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अन ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मोहित रेन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बैस बनता दिखता था और इस बार के सीजन में के मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज के अंदर दिखाया गया है मोहित रैना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ तक देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित फिजिकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोहित को उस एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नजर आएंगे सीरीज में पहले ही की तरह यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अल्बम गेयर इस बार भी अधिक अधिकार जो चेहरे हैं उनके हाव हाँ भाव के जो है उनसे आप पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा परदेशी के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी है कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती है चेहरे पर मास के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव हाँ भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीजन और पूरे एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है दो फ्रीलैंसर टू की तो सीनेमाटोग्राफी काफ़ी हाँ टिकट है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमज़ोर साबित होती है और अ टिकट टू सीरिया पर आदरी द फाइनल इंसर्ट द की जो राइटिंग वो काफी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो जबरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दर बनने पर मजबूर कर देती है कुल मेरा अगर कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अवतार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में काम है वो नहीं दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो अब आगे से बड़ी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी रिबुक्स काफ़ी बढ़िया है जो कहीं ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया रिबुक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है डिजनी प्लस पे वहाँ पर जाकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएँगी तो मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिंट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज़ हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीजन आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा सीज़न भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिल देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कहे तो सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहे कहे पहले बन चुका है एक बुक में और उसी बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीज की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं जैसे कि खाकि द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज़ बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित रहीना है इनके अलावा भी काशमीरा बरदेसी सराजान दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फानद बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनलबिक आकाश दबाड़ेन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्ता पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसे लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारी सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदास जी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं फैमिली के साथ पर जो वेब सीरीज वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वह एसेंसर होती है अगर किया जाए तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन भी कट कर करने को मतलब पड़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि इसे कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो की बाड हैं किताब हैं और टिकेट टू सीरिया पर आदर द्र फ्रीलेंसर द कंजुकसन ने ओल्ड प्लेटफॉर्म पर प्लस प्रसल पर तहलका मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अनसही होती है और अविनाश कामत यानी कि मोहित रैन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बैस बनता दिखता था और इस बार के सीजन में रेस्क्यू मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा और उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित रीना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ तक देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित फिज़िकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोब एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नज़र आएँगे सीरीज में पहले ही की तरह यहाँ पर अनुपम खेर कम नजर आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अनुपम खेर इस बार भी अधिक थे। अधिकर जो चेहरे हैं उनके हाव भाव के जो है उनसे अब पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा पड़देसी के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खड़ी उतरी हैं कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती है चेहरे पर मौसमित के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीजन और पूरा एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है दो फ्रीलेंसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी ठिकठाक है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमज़ोर साबित होती है और अ टिकट टू सीरिया पर आधारित द फाइलेंसर द कंजन की जो राइटिंग वो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो ज़बरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दर बनने पर मजबूर कर देती है कुल मेरा क्या कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अफ्तार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में कामयाब है नहीं दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो आप आगे से बड़ा कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं या आपको निराश बिल्कुल भी भुल नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी रिबिक्स काफ़ी बढ़िया है जो कहीं ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया अभी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता हैं तो काफ़ी ऐसी सीरीज है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है डिजनी प्लस पे वहाँ पर जाकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएँगे तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक पहुँच ही गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द सर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर यह आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीजन आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा सीजन भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिलर दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कहे तो सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं पहले बन चुका है एक बुक में और उसी बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीस की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं जैसे कि खाकि द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज़ बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित तो रैना है इनके अलावा भी काशमिरा बरदी सिंह सरा जान दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फानदेश बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रैसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनलबिक आकाश दबाड़ेन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस अफ्तर पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारे सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं कही ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदासी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं थैमिली के साथ वेब सीरीज़ वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वह एसेंजर होती है अगर किया जाए तो तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन बिकट करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि इसे कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो किबाड़ हैं किताब हैं और सीरिया पर आदर ओल्ड द्लेटफॉर्म पर प्लस प्रथर पर तहलका मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अंश ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मुविद्रेन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बैस बनता दिखता था और इस बार के सीजन में के मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित तैना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ तक देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित तो फिजिकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोहित तो को इस एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नज़र आएंगे सीरीज़ में पहले ही की तरह यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अल्बम गैर इस बार भी अधिक अधिकार जो चेहरे हैं उनके हाव हाँ भाव के जो है उनसे पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा परदेसी के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी हैं कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती हैं चेहरे पर मासी के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव हाँ भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीजन और पूरा एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है द फ्रीलांसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी हाँ टिकट है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमज़ोर साबित होती है और अर टू सीरिया पर आधारित दाइनल द कंजन की जो राइटिंग वो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो जबरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दर बने पर मजबूर कर देती है कुछ बनाने कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अफ्तार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में कामयाब रही दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो आप आगे से पाड़ी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी वीबिक्स काफ़ी बढ़िया है जो कही न कहीं ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया रिव्यूबिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी सीरीज है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है डिजनी प्लस पर वहाँ पर जाकर आप इसे इन्जॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएंगे तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए है तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिंट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज़ हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीज़न आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा सीजन भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिलर थ्रिल थर्मी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कहे तो सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहे ना कहे पहले बन चुका है एक बुक में और उस बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस फिन मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीज की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं जैसे कि खाकी द तो बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज़ बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित तो रैना है इनके अलावा भी काशमीरा बरदे सिंह सरा जान दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फानदैस बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनलबिक आकाश दबाडिन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्टर पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टर पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारी ऐसी सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदासी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं फैमिली के साथ पर जो वेब सीरीज़ वो मेरी कमेंट नहीं करूँगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वो एसेंसर होती है अगर किया जाए तो तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन भी कट करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि सीन कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सरीज थोराट की जो की बाड हैं किताब हैं अटिकट टू सीरिया पर आदर द्र द दन ने ओल्ड प्लेटफॉर्म पर प्लस प्रसार पर सहल का मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अंश ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मोहित रैन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बेस बनता दिखता था और इस बार की सीजन में रेस्क्यू मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित रीना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ तक देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित फिजिकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोहित तो उस एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नज़र आएंगे सीरीज में पहले ही की तरह यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अनुपम खेर इस बार भी अधिक थे। अधिकर जो चेहरे हैं उनके हाव भाव के जो है उनसे पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा पर्दे के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी है कश्मीर के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती है चेहरे पर मौसमित के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीज़न और पूरा एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है द फ्रीलांसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी टिकट है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमज़ोर साबित होती है और टिकट टू सीरिया पर आधारित द फ्राइलेंसर द कंजन की जो राइटिंग है वो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो ज़बरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दर बने पर मजबूर कर देती है कुछ बारे कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अवतार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में काम है वो नहीं दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो आप आगे से बड़ी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी रिब्स काफ़ी बढ़िया है जो कहीं ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया व्यवसाय आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो काफ़ी ऐसी सीरीज है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है डिजनी प्लस पे वहाँ पर जाकर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएंगे तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिंट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज़ हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीज़न आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा सीजन भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिलर दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कहे तो सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहे ना कहीं पहले बन चुका है एक बुक में और उसी बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीस की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं जैसे कि खाकि द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज़ बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित रैना है इनके अलावा भी काशमरा बरदेसी सरा जान दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फान बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनलबिक आकाश दबाड़े गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जाके तो अभी जो ये डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसे लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारे सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं कही ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदासी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते तमिल के साथ वेब सीरीज़ है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वो एसन्सर होती है अगर किया जाए तो तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन बिक करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि इसे कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थ्राट की जो किबाड हैं किताब हैं अटिकट डो सीरिया पर द आदरित ने ओल्ड प्लेटफॉर्म पर प्लस प्रोफेसर पर तहलका मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अन ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मवी त्रेन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बैस बनता दिखता था और इस बार के सीजन में के मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज के अंदर दिखाया गया है वो चैना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ हाफ्ता देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित तो फिजिकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोहित तो को उस एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नजर आएंगे सीरीज में पहले ही की तरह यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अलबम गये इस बार भी अधिक अधिकार जो चेहरे हैं उनके हाव हाँ भाव के जो है उनसे आप पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा परदेशी के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी हैं कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती हैं चेहरे पर मास के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव हाँ भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीजन और पूरे एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है दो फ्रीलांसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी ठिकठा हाँ है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमज़ोर साबित होती है और अ टिकट टू सीरिया पर आजरी द फाइनस द कंजशन की जो राइटिंग वो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कहीं हिस्से है जो जबरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दौर बनने पर मजबूर कर देती है कुछ मेरा अगर कहा जा सकता है कि डिजनी ब्लग अफ्तार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में कामयाब है वो नहीं दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो अब आगे से बड़ी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी रिव्यूबिक्स काफ़ी बढ़िया है जो कही न कहीं ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया रिव्यूबिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है डिजनी प्लस पे वहाँ पर जाकर आप इसे इन्जॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएँगी तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए है तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिंट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर यह आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊँगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज़ हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीज़न आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा सीजन भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिल दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कहे तो सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहे कहीं पहले बन चुका है एक बुक में और उसी बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी है जैसे कि खाकी द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज़ बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है वो काफी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित रहीना है इनके अलावा भी काशमीरा बरदीसी सराजान दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फानद बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन पोकन एडवर्ड सोनलबीक आकाश दबाड़ेन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्तार पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीन कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस ऑफ्तार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसे लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारी सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदाजी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं फैमिली के साथ पर जो वेब सीरीज़ वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वो एसेंसर होती है अगर किया जाए तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन भी कट कर करने को मतलब पड़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि सीन कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो की बाड हैं किताबें और टिकेट टू सीरिया पर आदर द्र फ्रीलेंसर कंजुक्सन ने ओल्ड प्लेटफॉर्म पर डिसनी प्लस पर तहलका मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अंश ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मोहित रैन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बैस बनता दिखता था और इस बार के सीजन में रेस्क्यू मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा और उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित तो रीना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ तक देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित तो फिज़िकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोबई तो कुछ एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नज़र आएंगे सीरीज में पहले ही की तरह ही यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अनुपम खेर इस बार भी अधिक थे। अधिकर जो चेहरे हैं उनके हाव भाव के जो है उनसे अब पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा पड़देसी के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खड़ी उतरी हैं कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती है चेहरे पर मास के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीजन और पूरा एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है द फ्रीलेंसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी ठिकठाक हाँ है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमज़ोर साबित होती है और अ टिकट टू सीरिया पर आधारित द दाइलेंसर द कंजन की जो राइटिंग वो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो ज़बरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दर बनने पर मजबूर कर देती है कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अवतार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में कामयाब है नहीं दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो अब आगे से बड़ी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी रीव काफ़ी बढ़िया है जो कहीं ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया अबीब से आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो काफ़ी ऐसी सीरीज़ है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है डिजनी प्लस पे वहाँ पर जाकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएँगी तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिंट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीजन आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा चिन्ह भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिल भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कहे तो सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं पहले बन चुका है एक बुक में और उसी बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीस की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं जैसे कि खाकि द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज़ बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित तो रैना है इनके अलावा भी काशमिरा बरदी सिंह सरा जान दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फान बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनलबिक्क आकाश दबाड़ेन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारे ऐसी सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं कही ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदासी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं फैमिली के साथ पर जो वेब सीरीज़ है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वो एसंसर होती है अगर किया जाए तो तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन बिकट करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि इसे कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो किबाड़ हैं किताब हैं और टिकेट टू सीरिया पर आदर द्र फ्रीलेंसर द कंजुक्सन ने ओल्ड प्लेटफॉर्म पर प्लस प्रसार पर तारीखा मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अन ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मवीत रेन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बैस बनता दिखता था और इस बार के सीजन में रेस्क्यू मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित रैना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ हाफ्ते देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित फिजिकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोहित को इस एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नज़र आएंगे सीरीज़ में पहले ही की तरह यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अल्बम केयर इस बार भी अधिक अधिकार जो चेहरे हैं उनके हाव भाव के जो है उनसे पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा परदेसी के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी हैं कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती हैं चेहरे पर मासीद के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीजन और पूरा एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है द फ्रीलांसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी टिकट है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमज़ोर साबित होती है और अ टिकट टू सीरिया पर आदरी द फाइनल द कंजसन की जो राइटिंग वो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो जबरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दर करने पर मजबूर कर देती है कुछ बनाने कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अफ्तार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में कामयाब रही दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो अब आगे से पाड़ी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी वीएफएक्स काफ़ी बढ़िया है जो कही न कहीं ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया वीएफएक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो काफ़ी ऐसी सीरीज है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है डिजनी प्लस पर वहाँ पर जाकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएँगे तो मैं आपको जानकारी जरूर दूँगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिट लैसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर यह आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊँगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं तो अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज़ हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीजन आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा सीजन भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिलर दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कर दो सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहने गए पहले बन चुका है एक बुक में और उसी बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस फिल्म मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीज की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज भी बन चुकी है जैसे कि खाकि द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित रहीना है इनके अलावा भी काशमीरा बरदेश सिंह सराजाने दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फानदैस बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनलबीक आकाश दबाड़ेन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्टार पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारे सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदा जी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं फैमिली के साथ पर जो वेब सीरीज वेरे के मैं नहीं करूँगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वह एसंसर होती है अगर किया जाए तो तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन भी कट करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि सीन कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोड़ाट की जो किबाड़ है किताब है और टिकट टू सीरिया पर आदर द्र फ्रीलेंसर

ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा और उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित तो रीना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ तक देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित तो फिज़िकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोबित को इस एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नजर आएंगे सीरीज में पहले ही की तरह ही यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अनुपम खेर इस बार भी अधिक अधिकार जो चेहरे हैं उनके हाव भाव के जो है उनसे आप पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा पर्दे के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी हैं कश्मीर के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती है चेहरे पर मौसमित के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सिर्फ दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीजन और पूरा एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है द फ्रीलांसर टू की तो सीनेमाटोग्राफी काफ़ी हाँ टिकटाक है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमजोर साबित होती है और टिकट टू सीरिया पर आधारित द फाइनस द कंजशन की जो राइटिंग है वो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो जबरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दर बनने पर मजबूर कर देती है कुछ मैंने कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अवतार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में काम वो नहीं दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो अब आगे से बड़ी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी रिव्य काफ़ी बढ़िया है जो कहीं ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो काफ़ी ऐसी सीरीज है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है प्लस पे वहां पर वहाँ पर जाकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूटूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएंगे तो मैं आपको ज़्यादा ज़रूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिंट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं तो अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज़ हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीजन आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा जिन्हें भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिल दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कहे तो सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहे ना कहीं पहले बन चुका है एक बुक में और उस बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस फिल्म मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीस की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं जैसे कि खाकि द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज़ बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित तो रैना है इनके अलावा भी काशमरा बरदेसी सरा जान दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फानदेश बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनलबिक आकाश दबाड़े गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्टर पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जाके तो अभी जो ये डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसे लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारे सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं कही ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदासी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं तमिल के साथ पर जो वेब सीरीज़ वो मेरी कमेंट नहीं करूँगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वो एसेंसर होती है अगर किया जाए तो तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन कट करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि इसे कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो किबाड़ की बाड हैं किताब है, टू सीरिया पर आदरी द्र फ्रीलेंसर द कंजुक्सन ने प्लेटफॉर्म पर प्लस प्रथ पर का मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अंश ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मवित रेन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बैस बनता दिखता था और इस बार के सीजन में के मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित तेना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ तक देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित फिज़िकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोहित को इस एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नज़र आएंगे सीरीज़ में पहले ही की तरह यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अलबम गैर इस बार भी अधिक अधिकार जो चेहरे हैं उनके हाव हाँ भाव के जो है उनसे अब पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा परदेशी के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी हैं कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती है चेहरे पर मास के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव हाँ भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद ईराज नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीजन और पूरा एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है दो फ्रीलैंसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी ठिकठाक हाँ है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमज़ोर साबित होती है और अ टिकट टू सीरिया पर आजरी द फाइनस द कंजन की जो राइटिंग में काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो जबरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दर बनने पर मजबूर कर देती है कुल मैंने अगर कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अफ्तार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में कामयाब है नहीं दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो अब आगे से बड़ी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी वीबुक्स काफ़ी बढ़िया है जो कहीं कही ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया वीबिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी सीरीज है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है डिजनी प्लस पर वहाँ पर जाकर आप इसे इन्जॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएंगे तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए है तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिंट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं तो अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज़ हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीजन आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा सीजन भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिल दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कहे दो सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहें कहीं पहले बन चुका है एक बुक में और उसी बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीज की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज बन चुकी हैं जैसे कि खाकि द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है वो काफी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित रहीना है इनके अलावा भी काशमीरा बरदीस सिंह सराजान दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फानदेश बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनलबीक आकाश दबाड़िन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्तार पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारी सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदाजी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं फैमिली के साथ पर जो वेब सीरीज वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वो एसेंसर होती है अगर किया जाए तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन भी कट कर करने को मतलब पड़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि सीन कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो की बाड हैं किताबें और टिकेट टू सीरिया पर आदर द्र फ्रीलेंसर द कंजुक्सन ने ओल्ड प्लेटफॉर्म पर प्लस डिस पर तहलका मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मोहित रेन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बैस बनता दिखता था और इस बार के सीजन में रेस्क्यू मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा और उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित तो रीना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ्ता देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित तो फिजिकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोब एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नज़र आएंगे सीरीज में पहले ही की तरह ही यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अनुपम खेर इस बार भी अधिक अधिकतर जो चेहरे हैं उनके हाव भाव के जो है उनसे अब पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा पर्दे के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी हैं कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती है चेहरे पर मौसमत के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीजन और पूरे एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है द फ्रीलांसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी ठिकठाक हाँ है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमजोर साबित होती है और अ टिकट टू सीरिया पर आधारित द फ्राइलेंसर द कंजन की जो राइटिंग वो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो ज़बरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दौर बनने पर मजबूर कर देती है कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अफ्तार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में कामयाब है नहीं दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो आप आगे से बड़ी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं या आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी रेब काफ़ी बढ़िया है जो कहीं ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर देखने को मिलता हैं तो काफ़ी ऐसी सीरीज है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है डिजनी प्लस पे वहाँ पर जाकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएँगी तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए हैं तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिंट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज़ हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीज़न आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा चिन्ह भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिल दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कहे तो सीरीज को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहे ना कहीं पहले बन चुका है एक बुक में और उसी बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीस की बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं जैसे कि खाकि द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज़ बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित रैना है इनके अलावा भी काशमरा बरदी सिंह सरा जान दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फानद बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनलबिक आकाश दबाड़ेन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्टर पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारे ऐसी सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं कही ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदासी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं फैमिली के साथ पर जो वेब सीरीज़ वो मेरी कमेंट नहीं करूँगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वो एसंजर होती है अगर किया जाए तो तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन बिकट करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि इसे कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो किबार्ड हैं किताब हैं और टिकेट टू सीरिया पर आदर द्र फ्रीलेंसर द कंजुक्सन ने प्लेटफॉर्म पर डिस्नी प्रथर पर मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अंश ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मोहित रेन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बेस्ट बनता दिखता था और इस बार के सीजन में के मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित रैना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ तक देखने को मिलता है इस बार मोहित किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोबित फिजिकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोहित को उस एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नज़र आएंगे सीरीज़ में पहले ही की तरह यहाँ पर अनुपम खेर कम नजर आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अलबम केयर इस बार भी अधिक अधिकतर जो चेहरे हैं उनके हाव हाँ भाव के जो है उनसे अब पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा परदेसी के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी है कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती हैं चेहरे पर मौसमित के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव हाँ भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद गिर नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीज़न और पूरे एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है दो फ्रीलांसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी हाँ टिकटाक है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमजोर साबित होती है और अ टिकट टू सीरिया पर आदरी द फाइनल द कंजसन की जो राइटिंग है काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो ज़बरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दर बने पर मजबूर कर देती है कुल बना कहीं कहा जा सकता है कि डिजनी ब्लस अफ्तार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में काम है वो नहीं दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो अब आगे से बड़ी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी रिव्यक्स काफ़ी बढ़िया है जो कहीं ना कहीं लगता है कि जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया रिबिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है डिजनी प्लस पर वहाँ पर जाकर आप इसे इन्जॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएँगी तो मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिट लैंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर यह आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊँगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं तो अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज़ हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीजन आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा सीजन भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिलर दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कहे तो सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है वो कहने का पहले बन चुका है एक बुक में और उस बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टेट टू सीरिया स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस फिल्म मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीज की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज भी बन चुकी है जैसे कि खाकी द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित रहीना है इनके अलावा भी काशमिरा बरदीस सिंह सराज जान दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फानदेश बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनुलबिक आकाश दबाड़िन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्टार पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारे सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदास बिंदासी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं फैमिली के साथ पर जो वेब सीरीज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वह एसेंसर होती है अगर किया जाए तो तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन भी कट कर करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि सिन कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो किबाड़ है किताब है और टिकट टू सीरिया पर आदर फ्रीलेंसर तो कंजुक्सन ने ओल्ट प्लेटफॉर्म पर प्लस प्रसार पर तहलका मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अंश ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मोहित रैन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बेस्ट बनता दिखता था और इस बार के सीजन में रेस्क्यू मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा और उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित रीना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ हाफते देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित फिजिकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोबित कुछ एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नजर आएंगे सीरीज में पहले ही की तरह ही यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अनुपम खेर इस बार भी अधिक थे। अधिकर जो चेहरे हैं उनके हाव भाव के जो है उनसे आप पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा पड़देसी के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी हैं कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती है चेहरे पर मौसमित के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सिर्फ दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीजन और पूरा एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है द फ्रीलेंसर टू की तो सीनेमाटोग्राफी काफ़ी ठिकठाक है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमजोर साबित होती है और टिकट टू सीरिया पर आधारित दाइलेंसर द कंजन की जो राइटिंग है काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो जबरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दर बने पर मजबूर कर देती है कुल बारे में कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अफ्तार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में काम है वो नहीं दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो आप आगे से पाटी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी रिव्यक्स काफ़ी बढ़िया है जो कहीं ना कहीं लगता है कि जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया व्यवसाय आपको यहाँ पर देखने को मिलता हैं तो काफ़ी ऐसी सीरीज है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है डिजनी प्लस पे वहां पर वहाँ पर जाकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल यहाँ आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएँगे तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिंट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर यह आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज़ हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीजन आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा जिन्हें भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिल दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कर दो सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं पहले बन चुका है एक बुक में और उस बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस फिल्म मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीस की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं जैसे कि खाकी द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज़ बना चुके हैं पर ये जो थोड़ी है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित तो रहीना है इनके अलावा भी काशमीरा बरदे सिंह सरा दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फानदेश बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनलबिक आकाश दबाड़ेन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्टर पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जाके तो अभी जो ये डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसे लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारे सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं कही ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदासी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं थैमिली के साथ जो वेब सीरीज़ वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वो एसेंसर होती है अगर किया जाए तो तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन भी कट करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि इसे कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो किबाड़ हैं किताब हैं और टिकेट टू सीरिया पर आदर दिल्सर ओल्ड प्लेटफॉर्म पर प्लस प्रथर पर का मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अंश ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मवित रेन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बैस बनता दिखता था और इस बार के सीजन में के मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ तक देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित तो फिज़िकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोहित तो को उस एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नजर आएंगे सीरीज़ में पहले ही की तरह यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अलबम गैर इस बार भी अधिक अधिकार जो चेहरे हैं उनके हाव हाँ भाव के जो है उनसे अब पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा परदेश के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी हैं कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती हैं चेहरे पर मास के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव हाँ भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीज़न और पूरे एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है दो फ्रीलैंसर टू की तो सीनेटोग्राफ़ी काफ़ी हाँ टिकटाक है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमज़ोर साबित होती है और अ टिकट टू सीरिया पर आजरी दाइनस द कंजन की जो राइटिंग हो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो जबरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दर बनने पर मजबूर कर देती है कुल बनाने कहा जा सकता है कि डिजनी ब्लग रफ्तार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में कामयाब है नहीं दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो अब आगे से बड़ी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी वीबिक्स काफ़ी बढ़िया है जो कही न कहीं ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया वीबिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है डिजनी प्लस पे वहाँ पर जाकर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएँगी तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिंट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊँगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं तो अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज़ हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीजन आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा सीजन भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिल भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कह दो सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं पहले बन चुका है एक बुक में और उसी बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीज की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज भी बन चुकी है जैसे कि खाकि द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है वो काफी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित रैना है इनके अलावा भी काशमीरा बरदेसी सराजान दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फानदेश बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड बीक आकाश दबाड़िन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्टार पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टार पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस ऑफ्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारी ऐसी सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदासी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं फैमिली के साथ पर जो वेब सीरीज है वो मेरी कैमेंट नहीं करूँगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वह एसेंसर होती है अगर किया जाए तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन भी कट कर करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि सीन कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो की बाड हैं किताबें और टिकेट टू सीरिया पर आदर द्र फ्रीलेंसर कंजुक्सन ने ओल्ट प्लेटफॉर्म पर प्लस हॉटस्टार पर तहलका मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अनसही होती है और अविनाश कामत यानी कि मोहित रैन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बेस बनता दिखता था और इस बार के सीजन में रेस्क्यू मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा और उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित तो रीना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ हाफ्ता देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित तो फिज़िकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोबित कोई एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नज़र आएंगे सीरीज में पहले ही की तरह यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अनुपम खेर इस बार भी अधिक थे। अधिकर जो चेहरे हैं उनके हाव भाव के जो है उनसे पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा पर्दे से किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी हैं कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती है चेहरे पर मासीमित के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीजन और पूरे एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है द फ्रीलांसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी ठीक ठाक है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमज़ोर साबित होती है और टिकट टू सीरिया पर आधारित द फ्राइलेंसर द कंजशन की जो राइटिंग है वो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो ज़बरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दर बनने पर मजबूर कर देती है कुल मेरा अगर कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अफ्तार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में कामयाब रही दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो अब आगे से बड़ी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं या आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी रिबुक्स काफ़ी बढ़िया है जो कहीं ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया व्यवसक आपको यहाँ पर देखने को मिलता हैं तो काफ़ी ऐसी सीरीज है आप इसे जरूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है डिजनी प्लस पे वहाँ पर जाकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएंगे तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिंट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज़ हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीज़न आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा चिन्ह भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिलर दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कहे तो सीरीज को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं पहले बन चुका है एक बुक में और उसी बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीस की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं जैसे कि खाकी द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज़ बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित तो रैना है इनके अलावा भी काशमरा बरदेसी सराजान दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फान बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रैसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनलबिक आकाश दबाड़े गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्टर पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारे ऐसी सीरीज़ आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं कही ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे जी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं फैमिली के साथ पर जो वेब सीरीज़ हो मेरे के मैं नहीं करूँगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वो एसंजर होती है अगर किया जाए तो तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन कट करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि इसे कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो किबाड़ हैं किताब हैं और टिकेट टू सीरिया पर आदरित द्र द ने ओल्ड प्लेटफॉर्म पर डिसनी प्लस पर तहलका मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अंश ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मवित रेन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बेस्ट बनता दिखता था और इस बार के सीजन में के मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित रैना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ तक देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित फिजिकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोहित को उस एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नज़र आएंगे सीरीज में पहले ही की तरह यहाँ पर अनुपम खेर कम नजर आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अल्बम गेर इस बार भी अधिक अधिकार जो चेहरे हैं उनके हाव भाव के जो है उनसे आप पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा परदेशी के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी है कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती है चेहरे पर मौसमित के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद गिर नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीजन और पूरा एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है दो फ्रीलैंसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी हाँ टिकट है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमज़ोर साबित होती है और अ टिकट टू सीरिया पर आदरी द फाइनल द कंजसन की जो राइटिंग वो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो जबरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दर बनने पर मजबूर कर देती है कुल मेरा कहीं कहा जा सकता है कि डिजनी ब्लस अफ्तार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में काम है वह नहीं दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो अब आगे से बड़ा कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी रिव्यूबिक्स काफ़ी बढ़िया है जो कही न कहीं ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया रिव्यूबिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है डिजनी प्लस पर वहाँ पर जाकर आप इसे इन्जॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएँगी तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूँगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिंट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं तो अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज़ हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीजन आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा सीजन भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिल दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कहे तो सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है वो कहने का पहले बन चुका है एक बुक में और उसी बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस फिल्म मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीज की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज भी बन चुकी है जैसे कि खाकि द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित रहीना है इनके अलावा भी काशमीरा बरदीस सिंह सराजाने दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फानदैस बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड बीक आकाश दबाड़िन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्टार पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टर पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस ऑफ्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसे लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारे सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदासी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं फैमिली के साथ पर जो वेब सीरीज वो मैं कमेंट नहीं करूँगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वो एसेंसर होती है अगर किया जाए तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन भी कट करने को मतलब पड़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि इसे कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो किबाड़ है हैं किताब हैं टिकट टू सीरिया पर आदर द्र तो कंजुक्सन ने ओल्ट प्लेटफॉर्म पर प्लस प्रसार पर तहलका मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अंश ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मोहित रैन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बेस बनता दिखता था और इस बार के सीजन में रेस्क्यू मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा और उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित तो रीना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ तक देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित तो फिजिकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोबित को इस एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नजर आएंगे सीरीज में पहले ही की तरह ही यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अनुपम खेर इस बार भी अधिक थे। अधिकर जो चेहरे हैं उनके हाव भाव के जो है उनसे पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा परदेशी के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खड़ी उतरी हैं कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती है चेहरे पर मासूमित के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीज़न और पूरा एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है द फ्रीलांसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी हाँ टिकटाक है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमज़ोर साबित होती है और अ टिकट टू सीरिया पर आधारित दाइलेंसर द कंजन की जो राइटिंग हो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो जबरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कही ये आपको वो सब कुछ एक दर बने पर मजबूर कर देती है कुछ बारे कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अफ्तार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में कामयाब है वो नहीं दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो आप आगे से पार्टी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी रिव्यक्स काफ़ी बढ़िया है जो कहीं ना कहीं लगता है कि जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो काफ़ी ऐसी सीरीज है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है प्लस पे वहां पर वहाँ पर जाकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल यहाँ आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएँगे तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक पहुँच गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला कि द प्रिंट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर यह आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीजन आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा चिन्ह भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिल थर्म भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कह दू सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं पहले बन चुका है एक बुक में और उस बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस फिल्म मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीस की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं जैसे कि खाकि द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज़ बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित तो रैना है इनके अलावा भी काशमिरा बरदे सिंह सरा दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फानदेश बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनलबिक आकाश दबाड़ेन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्टर पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसे लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारे सीरीज़ आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं कही ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदासी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं तमिल के साथ पर जो वेब सीरीज़ वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वो एसंसर होती है अगर किया जाए तो तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन कट करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि इसे कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो किबाड़ हैं किताब हैं और टिकेट टू सीरिया पर आदर दिलेंसर द कंजुक्सन ने ओल्ड प्लेटफॉर्म पर प्लस प्रथर पर का मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अन ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मवित रेन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बैस बनता दिखता था और इस बार के सीजन में रेस्क्यू मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित तैना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ तक देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित फिज़िकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोहित को इस एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नज़र आएंगे सीरीज़ में पहले ही की तरह ही यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अलबम गैर इस बार भी अधिक थे अधिकार जो चेहरे हैं उनके हाव भाव के जो है उनसे अब पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा परदेसी के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी हैं कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती हैं चेहरे पर मास के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीज़न और पूरा एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है दो फ्रीलैंसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी टिकट है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमजोर साबित होती है और टिकट टू सीरिया पर आधारित द फाइनस द कंजन की जो राइटिंग वो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो ज़बरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दर बने पर मजबूर कर देती है कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अफ्तार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में कामयाब रही दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो आप आगे से पाड़ी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी वीबुक्स काफ़ी बढ़िया है जो कहीं ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया रीबिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जाए है डिजनी प्लस पर वहाँ पर जाकर आप इसे इन्जॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएंगे तो मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए हैं तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिंट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर यह आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीज़न आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा सीजन भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिलर दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कहे दो सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं पहले बन चुका है एक बुक में और उस बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीज की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं जैसे कि खाकी द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित रैना है इनके अलावा भी काशमरा बरदेसी सरा जान दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फानदेश बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनलबिक आकाश दबाडिन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्टर पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टर पर जाके तो अभी जो ये डिजनी प्लस स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारी सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे जी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं फैमिली के साथ पर जो वेब सीरीज़ वो मेरी कमेंट नहीं करूँगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वो एसेंसर होती है अगर किया जाए तो तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन भी कट करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि सीन कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सरी थोराट की जो किबाड़ बाड हैं किताब हैं अटिकट टू सीरिया पर आदर द्र फ्रीलेंसर द ने ओल्ड प्लेटफॉर्म पर डिसनी प्लस पर का मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अन से ही होती है और अविनाश कामत यानी कि मवी त्रैन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बेस्ट बनता दिखता था और इस बार की सीजन में रेस्क्यू मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित रीना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ हाफ्ता देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित फिजिकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोहित तो इस एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नजर आएंगे सीरीज में पहले ही की तरह ही यहाँ पर अनुभम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अनुभम खेर इस बार भी अधिक अधिकतर जो चेहरे हैं उनके हाव भाव के जो है उनसे पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा पर्दे के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी है कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती है चेहरे पर मौसमित के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीज़न और पूरे एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है द फ्रीलांसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी हाँ टिकट है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमजोर साबित होती है और अटिकट टू सीरिया पर आधारित द फ्राइलेंसर द कंजन की जो राइटिंग वो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो ज़बरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दर बनने पर मजबूर कर देती है कुछ बनाने कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अफ्तार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में कामयाब रही दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो अब आगे से बड़ा कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी रिव्य काफ़ी बढ़िया है जो कहीं ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो काफ़ी ऐसी सीरीज है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है डिजनी प्लस पे वहाँ पर जाकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएंगे तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिंट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज़ हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीज़न आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा सीजन भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिलर दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कहे तो सीरीज को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहे ना कहे पहले बन चुका है एक बुक में और उस बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस फिल्म मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीस की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज भी बन चुकी हैं जैसे कि खाकि द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज़ बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित तो रैना है इनके अलावा भी काशमरा बरदेसी सराजाने दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फान बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रैसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनल बीक आकाश दबाड़ेन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्टर पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारे ऐसी सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं कही ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदासी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं तमिल के साथ पर जो वेब सीरीज़ है वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वो एसंसर होती है अगर किया जाए तो तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन बिकट करने को मतलब पढ़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि इसे कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो किबाड़ है किताब हैं अटिकट टू सीरिया पर आदरित दिलेंसर द ने ओल्ड नेटफॉर्म पर डिस्नी प्लस पर तहलका मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अनसही होती है और अविनाश कामत यानी कि मोहित रेन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बैस बनता दिखता था और इस बार के सीजन में के मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज के अंदर दिखाया गया है मोहितिना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ तक देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित फिजिकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोहित को उस एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नजर आएंगे सीरीज में पहले ही की तरह यहाँ पर अनुपम खेर कम नज़र आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अल्बम गेयर इस बार भी अधिक अधिकार जो चेहरे हैं उनके हाव हाँ भाव के जो है उनसे आप पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा परदेशी के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खरी उतरी है कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती है चेहरे पर मास के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव हाँ भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीजन और पूरे एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है दो फ्रीलैंसर टू की तो सीनेमाटोग्राफी काफ़ी हाँ टिकट है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमज़ोर साबित होती है और अ टिकट टू सीरिया पर आदरी द फाइनल इंसर्ट द कंजसन की जो राइटिंग वो काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो जबरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं आपको वो सब कुछ एक दर बनने पर मजबूर कर देती है कुल मेरा अगर कहा जा सकता है कि डिजनी ब्लग अफ्तार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में काम है वो नहीं दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो अब आगे से बड़ी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी रिबिक्स काफ़ी बढ़िया है जो कहीं ना कहीं लगता है इसकी जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया रिबुक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है आप इसे ज़रूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो है डिजनी प्लस पर वहाँ पर जाकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएँगी तो मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा आपका स्वागत मेरे वीडियो में है और यहाँ तक ही गए थे तो मुझे पता है कि आप भी इस कमाल की मूवी या फिर वेब सीरीज़ को देखना चाहते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि द प्रिंट लेंसर मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलने वाली है क्या ये सीरीज़ है या मूवी है इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप लाइक भी कर सकते हैं अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक वेब सीरीज़ है जिसके कुछ एपिसोड पहले रिलीज़ हुए थे पर हाल ही में इसके पूरे एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिल चुके हैं इसके अंदर आपको लगभग सात एपिसोड देखने को मिलेंगे पहला सीजन आया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका दूसरा सीजन भी देखने को मिल जाए इसके अंदर आपको एक्शन थ्रिल दोनों भी देखने को मिल जाता है और मूवी को क्रिएट किया हुआ है नीरज पांडे ने कहे तो सीरीज़ को और ये जो दोस्तों पूरी की पूरी जो कहानी है वो और इस मूवी इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो कहने का पहले बन चुका है एक बुक में और उस बुक के आधार पर इसे बनाया गया है इस बुक का नाम था अ टिकेट टू सीरिया स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन मालदीव तो इसी पर इसे बनाया गया है जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स पीज की वो बुक रही थी इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं जैसे कि खाकि द बिहार चैप्टर ऐसे बहुत सारी वो वेब सीरीज़ बना चुके हैं पर ये जो है थोड़ी अलग है इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मोहित रहीना है इनके अलावा भी काशमीरा बरदेश सिंह सरा जान दाइस ऐसा राजा अनुपम खेर मंजरी फानद बालाजी गोरी सुशांत सिंह प्रेसा खान जोहन कोकड़न एडवर्ड सोनुलबिक आकाश दबाड़ेन गीता अग्रवाल शर्मा ऐसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार आपको देखने को मिलता है सभी ने काफी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको अच्छा जरूर लगेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर कि इसकी स्टोरी क्या है और अगर हमें इसे देखना है तो कहाँ पर इसे देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे देखना चाहते हो तो डिजनी प्लस ऑफ्तार पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है आप इसके सभी एपिसोड जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्तार पर जाके तो अभी जो है डिजनी प्लस ऑफ्तार पर वहाँ पर जाकर आप इसे देखिए या फिर अगर आप इसे देख चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जो है वेब सीरीज़ आपको कैसे लगी है अगर देखा जाए तो इसका प्रमोशन काफ़ी बढ़िया किया था क्योंकि जब से वर्ल्ड कप चल रहा था तब से इसे प्रमोट किया जा रहा था फिर बाद में भी बहुत सारी ऐसी सीरीज आई जहाँ पर इसे खूब प्रमोट किया गया और कुछ बड़े बड़े शहरों में इसके पोस्टर भी लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ होगा कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जिसके लिए आपको दिमाग लगन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आप इसे बिंदास जी के बारे में समझ जाएंगे आप इसे देख भी सकते हैं फैमिली के साथ पर जो वेब सीरीज वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप देखें क्योंकि वो जो होती है वो एसेंसर होती है अगर किया जाए तो इसके लिए आपको जो है कुछ सीन भी कट कर करने को मतलब पड़ सकते हैं अगर आप इसे देखते हैं पहले और आपको लगता है कि सीन कट होनी चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं फिर बाद में भी इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं तो सीरीज थोराट की जो किबाड़ है किताब है और टिकेट टू सीरिया पर आदर द्र फ्रीलेंसर कंजुक्सन ने ओल्ट प्लेटफॉर्म पर प्लस प्रसार पर तहलका मचा रखा है बात इसकी कहानी की करें तो इसकी शुरुआत पहले पार्ट के अनसही होती है और अविनाश कामत यानी कि मोहित रैन आलिया कश्मीरी परदेसी को बचाने की मिशन पर है अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा वहाँ पर हमने इसके पहले पार्ट के बारे में बात की है पिछले पार्ट में सिर्फ बेस बनता दिखता था और इस बार के सीजन में रेस्क्यू मिशन देखने को मिलेगा ऐसे में क्या अविनाश आलिया को बचा पाएगा और उनके सामने क्या चैलेंज होगा आलिया जिंदा बचेंगी या नहीं ऐसे कई सवाल का जवाब आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है मोहित रीना की एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा हाफ तक देखने को मिलता है इस बार मोहित के किरदार की शुरुआत और अनुपम की पहली मुलाकात को भी दिखाया गया है मोहित फिजिकली फिट नहीं रहे हैं और इसका असर उनकी एक्टिंग पर भी दिखता है मोबित को इस एक्शन सीन में काफ़ी हल्के दिखे हैं लेकिन माहौल संभालते हुए नजर आएंगे सीरीज में पहले ही की तरह यहाँ पर अनुपम खेर कम नजर आते हैं लेकिन दिल जीत लेते हैं जब हम इस वेब सीरीज़ को देखते हैं अनुपम खेर इस बार भी अधिक थे। अधिकर जो चेहरे हैं उनके हाव भाव के जो है उनसे अब पता लगा सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और कश्मीरा पड़देसी के किरदार में जो है उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला है और वे इस पर खड़ी उतरी हैं कश्मीरा के किरदार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसे अच्छे से निभा सकती है चेहरे पर मौसमित के साथ ही डर खौफ और कुछ अच्छा होने की उम्मीद के हाव भाव को गहराई से दिखा पाई है ये वेब सीरीज दोस्तों आप लोग एक बार तो देख ही सकते हैं ये आपको शायद निराश नहीं करेंगी इसके जो है पूरे सीज़न और पूरा एपिसोड आ चुके हैं वो भी डिजनी प्लस पे तो वहाँ पर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और दो जो कहानी जो है दो फ्रीलांसर टू की तो सीनेटोग्राफी काफ़ी टिकट है जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है सीरीज़ के कुछ शॉर्ट काफ़ी अच्छे हैं और कलर्स पर काफ़ी ध्यान रखा गया है सीरीज़ स्क्रिप्टिंग टेबल के बाद एक्टिंग टेबल पर भी थोड़ी कमज़ोर साबित होती है और अ टिकट टू सीरिया पर आदरी द फाइलेंसर द कंजन की जो राइटिंग है काफ़ी फीकी लगती है सीरीज़ में कई हिस्से हैं जो ज़बरदस्त सब जो है और इन लॉजिक लगते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपको वो सब कुछ एक दर बनने पर मजबूर कर देती है कुछ मिनट कहा जा सकता है कि डिजनी प्लस अफ्तार की जो सीरीज़ है पहला पार्ट जितना बांधने में कामयाब है नहीं दिखती थी हालांकि इसका आखिरी एपिसोड बढ़िया था लेकिन इसकी जो कहानी है वो आप आगे से पाड़ी कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसे एक बार देखना बनता है अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं या आपको निराश बिल्कुल भी भुल नहीं कराएंगी काफ़ी अच्छी कहानी इसकी है और इसकी रेवस काफ़ी बढ़िया है जो कहीं ना कहीं लगता है कि जो भोजपुरी मूवीज़ होती है इनसे तो काफ़ी बढ़िया अभी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी ऐसी सीरीज आप इसे जरूर देखिएगा ये आपको निराश नहीं करेंगी अभी जो डिज्नी डिजनी प्लस पे वहाँ पर जाकर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर आने वाले समय में अगर यूट्यूब पर आएंगे तो मैं आपको जानकारी जरूर दूँगा